A particle is moving on a circular path with constant speed v. It moves between two points A and B, which subtend at an angle 60 degree at the center of the circle. The magnitude of change in its velocity and change in magnitude of its velocity during motion from A to B are respectively. क्वेश्चन दो चीज़ें कह रहा है, एक तो पार्टिकल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ से चला वी स्पीड है, यहाँ पे चला स्पीड वी ही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन बदल गई है, ठीक है, 60 डिग्री से। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो पहले ये थी डायरेक्शन ऑफ मोशन, फिर ये होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन में 60 डिग्री का जो है डिफरेंस है। तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया। तो हमारा जो फॉर्मूला बनना है ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। क्यों भाई, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल को वी टू लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी को वी वन लिख लिया, और इसका जो चेंज आएगा v2 माइनस v1 वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 v2 cos थीटा। अब v1 और v2 तो बराबर है, मैग्नीट्यूड क्या है उनका, v ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 v2 की जगह vv लिखो, यहाँ पे भी v1 v2 की जगह v लिखो, v स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पे 2 v स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर 2 v स्क्वायर हो गया, इधर भी 2 v स्क्वायर, इधर भी 2 v स्क्वायर, तो कॉमन लेना है इनको, ले लो 1 माइनस cos थीटा रह गया। अब ये 1 माइनस cos थीटा रह गया, 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 2v sin थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी डेराइव करके बताया हुआ, आपको इस सीक्वेंस में दिख जाएगा। तो जो फॉर्मूला होगा ना रिजल्टेंट का, वो होगा 2v sin थीटा बाय 2। अब वेलोसिटी तो v ही है, थीटा कितना दिया हुआ मेरे को 60 डिग्री, तो 2v sin 60 बाय 2 हो जाएगा, तो sin 60 बाय 2 मतलब sin 30, और sin 30 क्या हो जाएगा 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो मेरे पास वेलोसिटी के चेंज का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना बेटा, वो कितना आएगा, वी आएगा, ये पूछ रहा था वो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो चेंज वेलोसिटी का चेंज होगा v2 माइनस v1, उसका मैग्नीट्यूड, एंड अब ध्यान से सुनो बिल्कुल एकदम फोकस होके, एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, किसके मैग्नीट्यूड, किसका हमने वो फाइंड करना है, हमको बोल रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का चेंज, तो पहले मैग्नीट्यूड v था, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, v2 का मैग्नीट्यूड माइनस v1 का मैग्नीट्यूड करना है। अब v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखो लिखा हुआ है हमने, v माना हुआ है, v आ गया, v1 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, v तो है, और इसका चेंज क्या होगा, वो जीरो होएगा। आया क्वेश्चन समझ में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो ख़त्म।